नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका रेशो का पार्ट, रेशो और प्रोपोर्शनल। तो एक बार जो है आप अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रेशो कि रेशो का मतलब है अनुपात। तो रेशो मतलब क्या है? अनुपात। तो अनुपात का मतलब है क्या भाई कि अनुपात का मतलब है क्या? देखो पहले हम रेशो पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे जी, हम प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेशो पढ़ रहे कि रेशो है क्या भाई। तो रेशो का मतलब है किन्हीं दो चीजों के बीच तुलना। क्या है? किन्हीं दो चीजों के बीच तुलना। यानी कि अगर मैं कहा कि अगर ए अनुपात बी है और इसका मतलब चार और पांच है, तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू चार है तो बी की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगी? पांच होगी। अगर ए की वैल्यू चार है तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? पांच होगी। तो ये तुलनात्मक आपके थ्योरी या तुलनात्मकता ही आपका क्या कहलावे जी? आपका रेशो कहलावे। ठीक है जी। अगर इस तरीके की तुलनात्मकता होगी तो ही आपका रेशो होगा। तो रेशो का मतलब है दो या दो से अधिक चीजों के बीच तुलना करना ही आपका क्या कहलाता है जी? रेशो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। समझिए चलिए। अब आप रेशो की जो प्रॉपर्टीज हैं कि रेशो की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि गुणधर्म है, हम गुणधर्म को पढ़ेंगे भाई कि रेशो की प्रॉपर्टीज है क्या। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है रेशो की, तो मैं रेशो की प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा कि रेशो की प्रॉपर्टीज है क्या। तो प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान से समझिए, यानी कि गुणधर्म क्या है ध्यान से समझिए भाई, गुणधर्म क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने a अपॉन b कहा तो इसका मतलब आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि a के अपॉन b के, यानी कि आप किसी भी रेशो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से समझिए, अगर आपने कहा कि दो अनुपात पाँच है और आपने इस दो में थ्री से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप अगर थ्री से मल्टीप्लाई टू में करोगे तो सिक्स होगा, तो आपको फाइव में भी कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? थ्री से मल्टीप्लाई करनी होगी तो क्या होगा? फिफ्टीन होगा। तो इसका मतलब जो रेशो थ्री अनुपात फाइव को रिप्रेजेंट करेगा वही रेशो छः अनुपात पंद्रह का भी होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो रेशो का मतलब है कि आप किसी एक नंबर से ही दोनों ही टर्म में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी कि आप किसी भी रेशो की टर्म्स में एक ही नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा आपका होगा नकली अनुपात। क्या होगा जी? नकली अनुपात या डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो या नकली अनुपात। देखो एक बात ध्यान से समझिए कि अगर क्वेश्चन नकली अनुपात के साथ आया कि डुप्लीकेट रेशो क्या है, तो अब समझना मुश्किल होगा। तो आप समझिए भाई कि डुप्लीकेट रेशो का मतलब है क्या या नकली अनुपात का मतलब क्या है। कि मान लिया आपने कहा कि ए अनुपात बी है, कि ए अनुपात बी है, तो ए अनुपात बी का जो नकली अनुपात होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर अनुपात क्या होगा? बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा। यानी कि मैं नकली अनुपात को क्या कह सकता हूं? वर्ग अनुपात भी कह सकता हूं, वर्गानुपात भी कह सकता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि भाई नकली अनुपात ज्ञात करो और वर्गानुपात न दिया, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि भाई नकली अनुपात का मतलब ही क्या है? वर्गानुपात है। और ये क्या होगा जी? a अनुपात b है, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा आपका। ठीक है जी। अगला होगा आपका, थर्ड पॉइंट होगा आपका सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, या आप कह सकते हैं उपनकली अनुपात या भाई वर्ग मूलानुपात।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि अगर ए अनुपात बी रेशो है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ए रेशो स्क्वायर रूट बी होगा। यानी कि किसी भी रेशो का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा जी? आपका उपनकली अनुपात कहलाएगा, या आप कह सकते हैं कि सब डुप्लीकेट रेशो कहलाएगा भैया आपका। तीसरा पॉइंट था जी आपका, फोर्थ पॉइंट क्या है? तिहरानुपात या आप कह सकते हैं क्या जी, ट्रिप्लीकेट रेशो ठीक है, या आप घनानुपात भी कह सकते हैं जी, घनानुपात ठीक है। लेकिन देखिए जो तिहरानुपात है आपका, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशो है, ये आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन है कांस्टेबल का, कि इसमें आपका यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भी पूछा गया था कि तिहरानुपात क्या है, और वहां आपका जो शब्द था वो तिहरा ही अनुपात था कि तिहरानुपात ज्ञात कीजिए, उन्होंने नहीं कहा था आपसे कि घनानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको तिहरे का मतलब समझना होगा क्या होगा, घनानुपात। यानी कि अगर मैं ए अनुपात बी की बात करूं तो इसका सब मतलब कि आपका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो ए क्यूब रेशो बी क्यूब होगा। और इसी तरीके से अगर आप फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उपतिहरानुपात या आप क्या कह सकते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपका घन मूलानुपात। तो मान लिया ए अनुपात भी आपका रेशो है, तो भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो क्यूब रूट ए रेशो क्यूब रूट बी होगा जी। क्यूब रूट ए रेशो क्या होगा, क्यूब रूट बी होगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी, गुणधर्म हैं रेशो के। तो आप आराम से ध्यान से पढ़िए भाई कि क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नकली अनुपात आपसे कॉल अप करेगा, तो इसका मतलब नकली अनुपात का मतलब होगा कि आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा रेशो का। अगर आपसे पूछ लिया सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो आप क्या करोगे, रेशो का स्क्वायर रूट करोगे। अगर आपसे कहा गया तिहरानुपात निकालिए, तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे। और अगर कहा कि अगर सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो दिए गए रेशो का क्या करोगे, क्यूब रूट निकाल दोगे भाई। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है ठीक है जी। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ भाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चंस क्या है देखिए भाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन होगा आपका ए अनुपात बी क्या है, आपका 2:3 है, और बी अनुपात सी आपका कितना है, 4:5 है। तो आपको निकालना क्या है, तो आप कहोगे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी को। निकालना क्या है भाई आपको, तो आपको निकालना जी ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों का रेशो निकालना जी आपको ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि आप इस सवाल को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप पहला तरीका देखिए कि फर्स्ट पहला तरीका क्या होगा, यानी कि इसका पहला तरीका क्या है करने का, तो ध्यान से समझिए। आप एक चीज छोटी सी बात बहुत ध्यान आराम से समझिए कि अगर मैं आपसे कहा कि ए अनुपात बी क्या है, तो आपने कहा कि 4:3 है, और मैं कहा कि B अनुपात C क्या है, तो आपने कहा 3:5 है ठीक है जी। यानी कि अगर मैं रेशो की बात की, और रेशो की बात करते समय आपसे A अनुपात B कहा 4:3 है, और B अनुपात C कहा तो क्या है, 3:5 है, तो दोनों ही रेशो में B क्या है, कॉमन है। और अगर B की वैल्यू दोनों ही रेशो में कॉमन है, तो इसका मतलब यहां दोनों ही रेशो में क्या है, इक्वल भी है। तो इसका मतलब जो ए बी सी का रेशो होगा, वो रेशो सीधा ही लिखा जा सकता है कितना, 4:3 और कितना जी, 5। यानी कि 4:3 और 5 एबीसी का रेशो, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो बी की वैल्यू यहां भी 3 है, तो इसका मतलब बी 3 ही होगा, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी
ठीक है। देखो जर्नली अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 4x होगा, 3x होगा, 5x होगा, लेकिन रेशो बनाते समय आप x को दोबारा कैंसिल आउट करोगे तो उस x का कोई मतलब नहीं है भाई, कि उस x का कोई मतलब नहीं है या ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप ध्यान से समझिए कि आप क्या है कि अगर b की वैल्यू सेम है तो यहां भी सेम होगी, और सेम होगी तो इसका मतलब आप सीधा का सीधा उसके बाद रेशो लिख सकते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी के साथ चलते हैं भाई कि क्या करना है। देखिए अगर मैं आपसे कहा कि पहले तरीके के साथ इसका सॉल्यूशन करना भाई, तो किस तरीके के साथ, ध्यान से देखिए। मैं कहा कि a अनुपात b क्या है, तो आपने कहा a अनुपात b और अनुपात c है, तीनों का रेशो निकालना। तो a अनुपात b कितना होगा साहब, 2:3 होगा, और b अनुपात c कितना होगा, तो आपने कहा कि 4:5 होगा। कितना होगा जी, 4:5 होगा। अब आप ये बताओ कि अगर b दोनों में ही है तो क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए भाई? अगर b दोनों जगह है तो इसका मतलब b की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई आप यहां भी करोगे, इस पूरे रेशो के साथ करोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई इस रेशो के साथ होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? तो आपने कहा 4 × 2 कितना, 8, और यहां भी 12 है और यहां भी 12 है। अब बिल्कुल सेम है दोनों का रिजल्ट, तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 12, और सी की वैल्यू कितनी हुई, 25 है। तो ए बी सी का रेशो क्या आया, तो आप कहोगे कि 8:12 कितना है, 25 है। तो आपका पहला तरीका है भाई, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए आप इसका क्या है। दूसरा तरीका क्या है, आपने कहा कि एबीसी आपको निकालना भाई, एबीसी का रेशो निकालना। तो ए अनुपात बी क्या है, तो आपने कहा कि 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना है, तो आपने कहा कि 4:5 है। अब ध्यान से समझिए, आप एक चीज बताओ कि कहां कहां रेशो में वैल्यूज खाली हैं। तो आप कहोगे एक वैल्यू तो आपकी यहां पे ब्लैंक है और एक वैल्यू आपकी यहां पे ब्लैंक है। तो अगर एक वैल्यू यहां पे ब्लैंक है तो इससे पहला रिजल्ट क्या है, 3 है। अगर एक वैल्यू यहां ब्लैंक है तो इसके बाद का रिजल्ट क्या है, 4 है। और आप यहां फिल कर दो, फिल करने के बाद कितना, 4 × 8, 4 × 3 कितना, 12, और 5 × 3 कितना, 15। कितना जी, 5 × 3 कितना, 15। देखो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना, 15। ठीक है जी, तो कितना, 8:12 कितना होगा, 15 होगा। यानी कि इस तरीके से भी क्या किया भाई, मैं यहां एक ब्लैंक था और एक यहां ब्लैंक था। जो यहां ब्लैंक है इससे पहला नंबर आपने यहां उठाकर डाल दिया, और जो यहां ब्लैंक है इसके बाद का जो नंबर था आपने यहां फिल कर दिया। इसके बाद आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के क्या आया, तो आपका एक्चुअली रेशो है क्या एबीसी का, तो निकल के आया भाई। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक, ठीक है जी। तो चलिए भाई एक और तरीका देखते हैं भाई क्या है, आइए। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आपको एबीसी का रेशो निकालना, तो एक बात बताओ क्या बी यहां दोनों में ही कॉमन है? तो आपने कहा कि बी दोनों में ही कॉमन है, तो बी यहां भी क्या होगा, दोनों में कॉमन है। अगर बी ही दोनों जगह है तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, सेम। तो क्या यहां बी की वैल्यू सेम है, तो नहीं है। तो आप यहां कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो यहां 2 में भी कितने से, 4 से। यहां कितने से मल्टीप्लाई, 3 से जी। और अगर 3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। और मैं कुछ देर पहले आपको समझा के गया कि अगर आपके ये दोनों रिजल्ट सेम हैं तो आप सीधा का सीधा ही रेशो एबीसी का रेशो बना सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा कि 2 × 8 होगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, 8, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 12 होगी। और सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा सी की वैल्यू होगी 5 × 15। तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 है। तो आप इस तरीके से एबीसी का रेशो आसान तरीके से निकाल सकते थे भाई। तो एबीसी का अनुपात है कितना, 8:12:15 है। तो बताओ क्या ये तरीके आपके समझ आए क्या, जो मैं आपको समझाया भाई। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर a अनुपात b की वैल्यू कितनी है आपकी, 2:3 है, और b अनुपात c की वैल्यू कितनी है आपकी, तो आपने कहा 4:5
एक है, और सी अनुपात डी की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपका आंसर होगा 2:5 है। तो आप ए बी सी डी का रेशो निकाल लो जी, ए बी सी डी का रेशो आप निकालिए क्या है, ए बी सी डी का रेशो। तो अगर आपको निकालना ए बी सी और डी का रेशो है, तो अब आप ध्यान से समझिए क्या है। आप यहां सबसे पहले इन नंबर्स को फिल कीजिए भाई, ए और बी का रेशो है कितना, तो ए और बी का रेशो है 2:3 है। बी और सी का रेशो कितना है, तो आपने कहा कि बी और सी का रेशो है 4:1। और सी और डी का रेशो कितना है, तो आपने 2:5 कहा कि 2:5 है। अब आप संयुक्त रूप से ए बी सी डी का रेशो निकालना चाह रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां दो ब्लैंक पॉइंट होंगे आपके सी और डी के साथ, तो इनसे पहले ब्लैंक क्या है, नंबर क्या है, 3, तो दोनों जगह ही 3 फिल कर दो जी आप। अब दूसरी लाइन में पहला भी रिजल्ट क्या है, खाली है, तो इसके बाद क्या है, 4। और यहां आपका ये रिजल्ट भी खाली है, तो इसके से पहले क्या है, 1, तो आपने फिल कर दिया 1। अब यहां दोनों ही ब्लैंक है, तो इसके बाद क्या है, 2, तो यहां पे भी आपका 2 होगा और यहां पे भी क्या होगा, आपका 2 होगा। तो ओवरऑल रेशो की बात करूं तो कितना, 2 चौक 8, 8 दूनी कितना, 16। कितना भाई, 3 चौक 12, 12 दूनी कितना, 24, 3 दूनी 6, और यहां कितना होगा, 5 तिया 15। बताओ क्या यही रेशो है क्या आपका, 16:24:6 कितना होगा, 15 होगा। तो बताइए भाई क्या दिक्कत है क्या आपको, जहां ब्लैंक है आप वहीं पर क्या कर दीजिए, पिछले रिजल्ट या उससे बाद वाले रिजल्ट को क्या कर दो, फिल कर दो, और उसके बाद में आसान तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेशो आपके सामने होगा भाई, ठीक है। या आप एक और तरीका समझना चाह रहे तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं एक और तरीका आपको समझा रहा कि क्या है एबीसीडी का रेशो। अगर आपने कहा कि आप दूसरे तरीके को देखिए बेटू, आपका पहला तरीका था ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात कितना, डी। अच्छा आप बताओ कि ए आपका है कहां, तो आप कहोगे कि ए तो पहले रो में है, ए क्या दूसरे रो में ए है कहीं भी, देखो यहां चेक करो, ए तो केवल पहले रो में है, दूसरे रो में नहीं है, तो इसका मतलब आप केवल पहले रो के जितने भी एलिमेंट है सबकी मल्टीप्लाई कर कर लिख दो जी आप, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16। बताओ कोई दिक्कत है क्या, है जी नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, बी, तो बी चेक करो, बी है सबसे पहले कहां, तो आपने कहा कि बी सबसे पहले यहां पे है, तो आपने क्या किया, बी बी सबसे पहले यहां पे है, तो आपने यहां से स्टार्ट कर लिया कि आपने यहां से स्टार्ट लिया, और स्टार्ट लेने के बाद बी कहां गया जी, पहली रो में गया, तो बी अब पहली रो में है, और पहली रो के बाद क्या दोबारा इस रो में आया, नहीं, तो आप सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 13 नहीं 3 चौक 12 12 दूनी कितना 24। सबसे पहले कहां था, सेकंड रो में, सेकंड रो से कहां गया, पहली रो में, उसके बाद नहीं आया सेकंड रो में, तो आप सीधे के सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ आपका, 24 आया। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं सी की बात करूं तो सी है कहां, किस रो में है, तो आपने कहा कि सी तो इस रो में है। अगर इस रो की बात करूं तो आप यहां से इस रो की स्टार्टिंग लो, और इस रो की स्टार्टिंग लेते लेते अब सी कहां है, तो आप कहोगे कि सी इस रो में है, तो 3 × 3 3 × 2 = 6 है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अब मैं डी की बात करूं तो डी तो केवल दूसरे ही रो में है, तो आप सीधा का सीधा यही मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3 3 × 5 = 15, तो आपका आंसर होगा 15। तो 16:24:6 = 15 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा भाई, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो जो भी आपको बेनिफिशियल हो आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन है भाई आपके सामने, कि एक और क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, देखिए देखो भाई, अगर ए अनुपात बी का जो रेशो है, ए अनुपात बी का जो रेशो है वो रेशो कितना है भाई, तो वो रेशो है 2:3 का। और जो आपका बी अनुपात सी का रेशो है, तो बी अनुपात सी का जो रेशो है आपका वो रेशो है कितना, तो आपने कहा 4:5 है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना जी ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो ए सी, आपको ये रिजल्ट निकालना भाई,
ठीक है जी, आपको ये रिजल्ट निकालना। तो देखो किस तरीके से निकालना, अगर आपको संयुक्त रूप से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए सी का रेशियो निकालना, तो आप सबसे पहले ए बी सी के रेशियो को निकालने की बात करोगे। किस तरीके से, अगर मैं यहां आपका ए बी सी को निकालने की बात करूं, तो आप कहोगे कि ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो बी और सी का रेशियो कितना है, 4:5। या तो आप इस तरीके से करो भाई, यहां कितना फिल कर लो 3 और यहां कितना फिल कर लो 4, तो 4 × 8, 4 × 12 और कितना भाई, तो आपका हो गया कितना 8 × 5 = 15। यानी कि ए की वैल्यू जो अनुपातिक में है 8 है, बी की 12 है और सी की कितनी है आपकी 15 है। अब आपने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल लो। देखो एक्चुअली अगर मानने की बात करें तो हम इसे 8x 12x और 15x लेट करेंगे, लेकिन यहां भी क्वेश्चन रेशो में है तो कैंसिल आउट होगा भाई, तो आप सीधे ही वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना, तो आपने कहा 64 होगा। बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 होगा। ए सी, अगर एसी की बात करूं तो 15 × 8 कितने 120, ए कितना है 8 है और सी कितना है 15 है, तो 15 × 8 = 120, तो 120 होगा भाई। लेकिन आपको निकालना रेशो है और रेशो का मतलब होगा कि आप इसे न्यूनतम फॉर्म में लेके जाओ, तो भाई किसने से डिवाइड कर दूं, तो आप 4 से डिवाइड कर दो इसे, 4 × 4, 4 × 6 = 24। अगर 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो कितना 4 × 12, 4 × 6 = 24 और 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 4 × 12 = 30 होगा। अब भी डिवाइड होगा क्या किसी से, तो आप कहोगे कि होगा, कितने से 2 से 8 × 18 और कितनी बार 15 बार। तो आपका रेशो क्या है जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए सी का, तो 8:18:15, ठीक है जी, कितना है 8:18:15 आपका आंसर होगा भाई। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो निकालने का तो हम यहां से भी क्या कर सकते थे कि b को दोनों जगह बराबर कर ले, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई 4 से और यहां भी कितने से 4 से, तो 8 तो a की वैल्यू हुई, 12 b की और c की कितनी 15 होगी, तो तब भी वैल्यूज हम पुट कर सकते थे। लेकिन देखिए थोड़ा सा आप खुद करोगे इन चीजों को, तो इंप्लीमेंट करोगे तो आसान तरीके से समझ में आपके होगा कि भाई आसान तरीके से आपकी समझ में या इंप्लीमेंट करना आप समझ पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी क्या है, तो आपने कहा कि ए अनुपात जो बी है उसका रिजल्ट है 2:5, बी अनुपात सी का मान कितना है, तो आपने कहा कि बी अनुपात सी का जो रिजल्ट होगा वो 4:3 है, और C अनुपात D का जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, तो वो रिजल्ट है आपका 2:5। तो आपने फाइंड आउट क्या कराया भाई, तो आपने फाइंड आउट कराया कि A अनुपात D क्या है, A अनुपात D क्या है, यानी कि केवल पहले और अंतिम अनुपातिक के बीच रेशो आपने निकलवाया कि पहले और अंतिम के बीच रेशो निकाल लो भाई क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई पहले और अंतिम के बीच रेशो किस तरीके से, या तो मैं ए बी सी डी पूरे का ही क्या निकाल लूं रेशो, उसके बाद ए और डी का रेशो निकाल लो भाई। तो पहले हमें बेसिक से ही समझते हैं, देखिए क्या है। देखिए भाई मैं इसको समझा, ए बी सी डी का रेशो निकालने की कोशिश कर रहा जी, ए बी सी और डी, ठीक है। देखो अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से, अगर ए को निकालना तो ए कहां है, यहां पे है, यानी कि पहली टर्म में, क्या दूसरी जगह पर कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब आप सीधा का सीधा उस रो की ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना 2 × 8 × 16, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं होगी भाई। अब बी, बी सबसे पहले कहां है, तो आपने कहा दूसरे रो में है, तो दूसरे रो में, इसके बाद आप कहां पे हो जी, आपने कहा कि फिर इसके बाद तो पहली रो पे चला गया, कॉलम पे चला गया, तो पहले कॉलम पे आप भी चले गए और उसके बाद सीधा का सीधा आप आए, तो 5 × 20 = 20 × 40, तो बी की वैल्यू कितनी है 40 है जी। अब सी की बात करें तो सी किस रो में है, तो आप कहोगे दूसरे रो में है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सी की वैल्यू दूसरे रो में है लेकिन फिर उसके बाद पहले रो कॉलम में चली गई, तो कितना 5 × 15 = 15 × 30। अब डी की वैल्यू तो केवल लास्ट में ही है, तो आप सीधा ही क्या कर दो मल्टीप्लाई 5 × 15 = 45,
तो ये किस किस का रेशो है? तो ये कहोगे कि आपकी ये जो रेशो है वो ए बी सी डी का रेशो है, तो ए की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा 16 है, और आपके डी की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो बताओ इसका जो रेशो आया वो कितना है? 16:45 है। ठीक है जी, कितना है? 16:45 है। लेकिन इसको देखो और तरीके से, आसान तरीके से भी किया जा सकता है। किस तरीके से? तो देखिए भाई किस तरीके से हम और कर सकते हैं इसे। आइए, अगर आपको ए और डी की बात है भाई, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई, अगर बी से बी कैंसिल आउट हुआ और सी से सी कैंसिल आउट हुआ तो रेशो किसका जनरेट हुआ? तो आपने कहा ए और डी का रेशो इक्वल टू, अगर इस साइड से इस तरफ कोई कैंसिल आउट है तो कर दो जी आप, नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, 4 × 8, 8 × 16 और भाई कितना, 5 × 15, 15 × 75 कितना, 15 × 5, 75 तो इसका मतलब यहाँ भी आपका क्या होगा, 75 रहा होगा भाई। पहली बार मल्टीप्लाई में थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, तो आप उसे ठीक कर लेना। ठीक है भाई, तो 16:45 कितना हुआ? 75 हुआ। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते थे। देखो अगर ए और डी के रेशो की बात है तो बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, और आप क्या करो, इस तरफ की गुणा यहाँ पे करो और इस तरफ की गुणा यहाँ पे करके आपने लिख दिया तो आपका रेशो है। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई ए अनुपात बी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे ए अपॉन बी है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2/5 है। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी के साथ कर दी, तो बी अपॉन सी का मतलब कितना है? तो आपने कहा 4/3 है। और इसके बाद सी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? तो मल्टीप्लाई कर दिया सी अपॉन डी, तो कितना है जी? 2/5 है। तो अगर मैं यहां कैंसिल आउट कर दूं तो ए अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि भाई 4 × 8 × 16 / 5 × 15 = 75 तो आपका अनुपात होगा 16:75। ठीक है जी, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको पहले और अंतिम के बीच में ही रेशो निकालना तो आप इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी तरीके से आसान तरीके से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है देखिए, 0.6 व 0.7 का नकली अनुपात ज्ञात करो जी। का नकली अनुपात ज्ञात करना कि इसका नकली अनुपात क्या होगा। बोलो भाई, तो नकली अनुपात का मतलब क्या था? तो मैं आपको समझाया था कि अगर नकली अनुपात निकालना होगा तो ए अनुपात बी का जो नकली अनुपात होगा क्या होगा जी? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब अगर इसका नकली अनुपात निकालना है आपको तो क्या होगा? तो आप कहोगे 0.6 का स्क्वायर और अनुपात कितना? 0.7 का स्क्वायर। तो कितना हुआ जी? तो आप कहोगे 0.36, अनुपात कितना? 0.49। तो ये आपका आंसर होगा जी, 0.36 अनुपात 0.49। तो बोलिए भाई कोई दिक्कत है क्या सवाल में? अगर आपसे नकली अनुपात की बात करेगा तो आपको करना क्या है? स्क्वायर कर देना जी उसका। यानी कि अगर आपको वर्गानुपात की बात करें या फिर नकली अनुपात की बात करें या आपसे बात किसकी की जाए, डुप्लीकेट रेशो की, तो आप क्या होगा? रेशो का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1/49 / 1/81 का उपनकली अनुपात निकालो जी, सब डुप्लीकेट रेशो। क्या निकालो? सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, उपनकली अनुपात निकालो जी आप। तो उपनकली अनुपात का मतलब क्या होगा कि आप क्या करोगे भाई? स्क्वायर रूट लोगे। तो 1/49 यानी कि 1/49 का स्क्वायर रूट और रेशो कितना? 1/81 का भी स्क्वायर रूट, क्योंकि प्रॉपर्टी के रूप में मैं अभी आपको लिखा कर गया ये चीज कि भाई स्क्वायर रूट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/7
रेशो कितना 1/8 होगा। क्या होगा जी 1/7 रेशो 1/8 होगा। बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या? सॉरी 1/9 होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके भी रेशो की बात करूं, तो आप क्या करोगे, 9 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी और 1 की मल्टीप्लाई 7 की इस तरफ, तो क्या होगा जी 9:7 होगा। तो ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। यानी कि जो आपका उपनकली अनुपात होगा वो कितना होगा, 9:7 होगा। तो आपके सामने आपका आंसर है कि आपके सामने आपका आंसर होगा भाई। तो बोलिए कोई दिक्कत है या यहां तक का कोई इशू है क्या भाई, बोलो भाई। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन है 0.2 व 0.5 का, 0.2 व 0.5 का 13:1 ज्ञात करो जी, 13:1 ज्ञात करो। देखो 13:1 का मतलब क्या होगा, आपका कि आप क्यूबिक रेशो निकाल लो। तो 13:1 का मतलब है भाई कि क्या करूं भाई मैं, 0.2 का क्यूब रेशो 0.5 का भी क्या करूं क्यूब। तो भाई अगर इसके क्यूब की बात करूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे 0.008 और यहां पे कितना होगा आपका, तो आप कहोगे 125। ये आपका क्या होगा जी रेशो होगा। अगर ये रेशो होगा तो आप कह सकते हैं भी कि भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा तो कितना 8:125 होगा भाई। कितना होगा 8:125 भी आप इसका रेशो कह सकते हैं। किसका जी 0.2 और 0.5 का जो 13:1 होगा, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते थे भाई, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इसे सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, है यदि x का 0.5% y के 30% के बराबर है तो y अनुपात x ज्ञात करो जी। तो y अनुपात x क्या होगा, यानी कि x अनुपात y नहीं, आपको y अनुपात x निकालना जी। आपको क्या निकालना, आपको निकालना, देखो यदि x का 0.5% किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है, तो आपको y अनुपात x निकालना भाई। तो देखो क्या है, अगर मैं x की बात करूं तो x का कितने परसेंट, तो आपने कहा 0.5% किसके बराबर है, तो आपका आंसर होगा y के कितने परसेंट के बराबर, 30% के बराबर होगा, ठीक है। आपने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया। अब आप ध्यान से समझिए भाई आंसर के लिए, आपको y अनुपात x की जरूरत है, तो y अनुपात x का मतलब होगा y अपॉन x। तो y अपॉन x है, तो क्या मैं x को इस तरफ लेके गया, तो आप कहोगे कि y अपॉन x होगा। अगर y को इस तरफ, x को इस तरफ लेके गया, तो क्या 30 इस तरफ होगा, तो 0.5 अपॉन कितना 30 भाई, आपने पॉइंट हटाया और 0, तो इसका मतलब होगा 5 अपॉन कितना 30। आप डिवाइड करो जी कितना 1/60 होगा। तो y अपॉन x का रिजल्ट कितना हुआ, तो आप कहोगे 1:60
60 होगा। क्या होगा जी? 1:60 होगा। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? आपसे सवाल पूछा गया वाई अनुपात एक्स का, तो 1:60। अगर एक्स अनुपात वाई पूछता तो आप क्या कहोगे? 60:60:1 होगा। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपकी समझ में आया होगा भाई। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोलो भाई। बोलिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपको कराए अभी तक, और अब भी बेसिक ही क्वेश्चन होंगे जो अगला क्वेश्चन है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन होगा, बेसिक के साथ साथ भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ने कहा इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इज इक्वल टू 4:7:9 है। तो आप जी ए रेशो बी रेशो सी निकाल के बताओ कि ए बी सी का रेशो क्या है। फाइंड करना जी आपको, क्या फाइंड करना आपको? तो फाइंड करना आपको क्या? ए बी सी का रेशो, फाइंड रेशो ए बी सी। देखो गिवन क्या है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का जो रेशो है वो 4:7:9 है। और आपसे निकलवाया क्या है? तो आपसे निकलवाया ए अनुपात बी अनुपात सी को निकलवाया गया भाई, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसे बेसिक तरीके से करोगे तो आप a प्लस बी की वैल्यू कितनी लोगे? 4x लोगे। b प्लस सी की वैल्यू कितना लोगे? तो आप 7x लोगे। और c प्लस ए की वैल्यू क्या लोगे? 9x लोगे। किस तरीके से? देखिए भाई अगर बेसिक से करूं तो आप कहोगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे कि 4x है। कितनी होगी? 4x होगी। और b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि 7x होगी। और भाई c प्लस ए की वैल्यू होगी तो कितनी होगी? तो आप कहोगे कि c प्लस ए की वैल्यू 9x होगी। अगर मैं सबको ऐड कर दूं भाई तो क्या होगा? तो आप कहोगे a और a कितना? 2a। और b कितना? 2b। और c कितना? 2c। बराबर किसके होगा? तो आप कहोगे कि 7, 4, 11, 9 कितना? 20x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? 20x के बराबर होगा। तो यहां से आपने निकाल लिया a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया जी इंटू 2 इक्वल टू कितना? 20x। अब आपने हटाया भाई कितना? तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 10x है, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए भाई, आपने कहा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई? तो आपने कहा 10x है। उसमें से a प्लस बी की वैल्यू है कितनी? a प्लस बी की वैल्यू 4x है। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू 4x है और प्लस c इक्वल टू 10x है होगा, तो भाई c की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 6x होगी। c की वैल्यू कितनी हुई? 6x हुई। तो बताओ इसमें कोई इशू है क्या? अगर मैं c की बात करूं तो c कितना होगा? तो आप कहोगे कि 6x होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10x है और भाई b प्लस सी का मान कितना है? तो आपने कहा 7x। तो 7x अगर होगा b प्लस सी का मान, तो a प्लस 7x बराबर कितना? 10x। तो a की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि a की वैल्यू 3x होगी। बताओ जी इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से अगर आपने तीसरी वैल्यू निकालने की कोशिश की तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 10x है। तो c प्लस a की वैल्यू कितनी है? 9x है। और अगर c प्लस a की वैल्यू 9x है तो प्लस b इक्वल टू क्या होगा? 10x। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई? x आई। कितनी आई जी? x आई। अब मैं अगर a b c की बात करूं तो आप कहोगे कि a का रिजल्ट कितना है? 3x है। क्या है जी a का रिजल्ट? तो आपने कहा 3x है। तो a की वैल्यू 3x हुई। और b की बात करूं तो क्या है? x है। और c की बात करूं तो क्या है? तो आप कहोगे c की वैल्यू 6x है। अगर x कैंसिल आउट कर दिया भाई तो आपका रेशो होगा 3:1:6 का। कितना जी? एबीसी का रेशो कितना होगा? 3:1:6 का होगा। लेकिन ये क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका होगा भाई आपका, क्या होगा? बेसिक तरीका है ये क्वेश्चन को करने का, ठीक है, कि आप बेसिक तरीके से इस तरीके से सोल्व करोगे। देखिए अब मैं आपको समझा रहा इसका दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका क्या है जिससे आप बड़े आसान तरीके से सब बहुत जल्दी सोल्व आउट कर पाओगे भाई। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस तरफ के वैल्यूज को एक साथ जोड़ लो जी, इस तरफ की वैल्यूज को एक साथ जोड़ लो, तो आप कहोगे a और a कितना? 2a। यानी कि 2a प्लस बी और प्लस सी,
तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो आपने कहा 9, 7, 4, 11, 9 कितना 20, तो भाई 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है जी, 10 है। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझियो भाई, अगर मैं आपसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है और उसमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर a प्लस बी की वैल्यू 4 है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो c की वैल्यू कितनी रही होगी, 6 रही होगी, तभी तो जुड़ के क्या आया होगा, 10 आया होगा। देखो भाई यहां ध्यान दो, अगर मैं कहा कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, उसमें से a और b का मान 4 है, तो अगर a और b का मान 4 है, तो c का मान कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो जुड़ के abc 10 आया होगा। तो c की वैल्यू कितनी आई जी आपकी, 6। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दी, c की कितनी है, 6 है। तो बताओ जी कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। अब आपने कहा कि अगर a b और c की वैल्यू 10 है, लेकिन b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 7। अगर b प्लस सी की वैल्यू 7 है, अगर इन दोनों की वैल्यू जुड़ के 7 है, तो a की वैल्यू कितना रख दूं कि 10 हो, तो आप कहोगे a की वैल्यू 3 रख दीजा, तो इसका मतलब a का मान कितना है, 3 है। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत है क्या। और इसी तरीके से अगर आपने बात की किसकी, c प्लस a की, तो आप कहोगे कि c प्लस a ये दोनों जोड़ने के बाद, c प्लस a यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपकी वैल्यू 9 है, तो बताओ b की वैल्यू क्या रख दो कि टोटल 10 हो, तो आप कहोगे b की वैल्यू क्या रख दे, 1 रख दे। तो यहां b की वैल्यू 1 रख दी, तो आपका a b c का रेशो क्या है, 3:1:6 होगा। क्या होगा जी, 3:1:6 होगा। तो बताइए भाई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है क्या, आप टाइम लो और क्वेश्चन को आसान मतलब कि ध्यान से देखिए भाई कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, आराम से देखिए भाई क्वेश्चन। तो चलिए भाई एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो या आप समझिए भाई मैं ही समझा रहा इस सवाल को कि किस तरीके से होगा। देखिए भाई आपने कहा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए की वैल्यू कितना है, रेशो क्या है, 3:4:5 है। तो आप a रेशो b रेशो c निकालिए, तो क्या करें भाई आप इस तरफ की वैल्यूज को जोड़ लो, तो कितना आया, तो आपने कहा कि 2 a प्लस बी प्लस सी है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहोगे 5:4:9:3:12 के बराबर। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 6 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दी, 3। अगर a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू कितना रख दो कि जोड़ 6 हो, तो आप कहोगे c की वैल्यू 3 पुट कर दीजा, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। c की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, c की वैल्यू 3 होने में आपको कोई इशू है क्या। आपने कहा कि यहां से a और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और टोटल का जोड़ 6 है, तो c तो 3 होगा भाई। अब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4। अगर b और c का जोड़ 4 है, तो a की वैल्यू 2 रखते ही जोड़ 6 हो जाएगा abc का, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हुई जी आपकी, सॉरी b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 2 a की वैल्यू हुई भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। अगर a प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो आपने कहा कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि 3 नंबर्स में से 2 नंबर का जोड़ 5 है और तीनों का जोड़ 6 है, तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपका abc का रेशो क्या है, 2:1:3 है। तो देखिए भाई आपके सामने जो ये क्वेश्चन थे, ये बेसिक से क्वेश्चन थे कि बेसिक ही क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे भी क्वेश्चन है। तो अगर आपने बेसिक तरीके से क्वेश्चन को रेशो को समझ लिया, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा भाई आपके सामने, आपको इसका आंसर करना है कि क्या है। देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन है 0.2 वह 0.5 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकाल लो जी, यानी कि तिहरा उपतिहरा अनुपात, उपतिहरा अनुपात ज्ञात करो। आपके ऑप्शंस हैं जी 1.2 रेशो
1.3, 12:30, 0.12:0.13 या फिर 1.44:1.69, आपके सामने आपके ऑप्शन है भाई। ठीक है, आप तिहरानुपात यानी कि उप तिहरानुपात निकालोगे इसका और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इसका क्या मतलब कि आंसर क्या है। देखो आज की जो क्लास थी एक बेसिक क्लास थी रेशो की, एक और क्लास इसी तरीके से होगी लेकिन वो इतना बेसिक नहीं होगा भाई, उसमें अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और भी, यानी कि इससे थोड़ा स्टैंडर्ड उसका ज्यादा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और भाई जितने भी साथी यहाँ हैं आप सभी वीडियो को क्या करें शेयर करो और अपने साथियों के साथ उसको शेयर करो और लाइक जरूर करो आप। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में।